अरे पापा हटो ना यार, हराम ज़ादे। चंदा वो दिल कैसे बनाते हैं ऐसे यार, सिखा दिया मेरे को। बड़ा हरामी हो बेटा। वन टू थ्री स्टार्ट। अभी ना मैं रोड पर पानी डाला था, मैंने पापा को दिखा दिया, अब मैं भूमि को दिखा सकता हूँ। अब देख तू। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ और ये भी ठीक है। ठीक हूँ। तो आगे हम फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और आज ना बहुत ज्यादा खास दिन है। आज ना हमारे मिस्टी को ना अन्न चखा रहे हैं, मतलब उसकी राइस सेरेमनी है। जैसे कि आप लोग को पता है कल हम निमंत्रण देने गए हुए थे, तो आज ना गाँव वाले भी आ गए हैं। थोड़ा बहुत आए, थोड़ा बहुत नहीं आए हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग के ना सिर्फ 7:30 बजा हुआ है। तो ना अभी इतने लोग आ गए हैं और सभी लोग सब्जी वगैरह काट रहे हैं यहाँ पर। छह गिलास की डिमांड है अभी, और हम लोगों ने अंदर ही खीर बनाई है, और जो खाना बनेगा ना वो सब बाहर ही बनने वाला है। तो खीर तो बना ली है, पता नहीं कैसी बनी है। तो दोस्तों अभी मुझे जाना है सासू मालों को लेने के लिए, क्योंकि ना अभी गाड़ियां नहीं मिल रही नहीं, इससे सॉन्ग के सासू मालों को भी नहीं मिल रही गाड़ियां, और मेरे वालों को भी नहीं मिल रही है। तो लेके आता हूँ फटाफट से, आधे रास्ते तक तो पैदल आ गए हैं। हाँ तो नहीं दिख रहे, शायद पार रुका होंगे, पार बाजार पे। तो दोस्तों सभी लोग आ गए हैं, यहीं पर वेट कर रहे थे, मिल भी गए हैं। देखो ये प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कब से वेट कर रहे हो यहाँ पर? तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ सासू मालों को घर, और वो लोग तो चले गए हैं ऊपर, मैं गाड़ी पार कर रहा था, तो अब मैं भी चलता हूँ ऊपर। यहाँ पे दोनों बच्चे ना अपनी अपनी नानी के साथ बैठे हैं, देखो मस्त तरीके से। और इसकी टोपी कितनी क्यूट सी है। यहाँ पे मम्मी लोग भी आ गए हैं, और कल हमने मिस्टी की ड्रेस बनाने के लिए वहीं दी थी, तो मम्मी लेके भी आ चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसमें रही मिस्टी की ड्रेस, अब देखते हैं कैसे वो पजामा निकर भी बना दे रखा। नामकरण के दिन का होता है, नामकरण के दिन इसी कपड़े से नाम सुनाते हैं, और उसी कपड़े से ना ड्रेस बना के फिर अन्न चखाते हैं, तो काफी अच्छी ड्रेस बनी है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, अपना सिर्फ चावल बनाना बचा हुआ है। तो तब तक ना हम ना डेकोरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, चंदा लगी हुई है, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो साली है चंदा साली, ये क्या कर रही है? चंदा साली गाली दे रही है। ये तूने खुद बनाया? तो दोस्तों अभी ना फिलहाल ना मन को नींद आ रही है, जब तक महक का अन्न प्रसन्न नहीं होता ना तब तक हम सुला देते हैं। नीचे ना आज बहुत ज्यादा लोग हैं, तो ना मिस्टी को ना छत में लेके आए थे नहलाने के लिए और तैयार करने के लिए, और ये नहा धो के रेडी भी हो चुकी है, और जो ना इसका फ्रॉक है ना वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है यार। अब जा रहे धागुले। चम 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 चम। तो दोस्तों ये रहा हमारी मिस्टी का फाइनल लुक। और यहाँ पे ना चंदा की डेकोरेशन भी पूरी हो गई है। तो यहाँ पे ना आज की हलवाई हमारी ताई जी है। ताई जी हलवा अच्छा होना चाहिए, ठीक है? हाँ अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा चंदा भी होगा तो अच्छा ही होगा। यहाँ पे लगभग आज का खाना बन ही चुका है, बस चावल रखने बाकी है, और ना सब्जी पूरी हलवा सब कुछ बन चुका है। अब सभी लोगों को भूख भी लगी है, तो फटाफट से ना हम लोग भी खा लेंगे, और दिन के ना 12 बजने वाले हैं। और यहाँ पे देखो महक कितनी क्यूटी मुन्नू लग रही है, कितनी कूनी। Mandi, 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 m
आगे से नमू भी सोया हुआ था, अब नमू भी उठ चुका है, तो अब नमन भी ना अपनी बहन को अन्न चखाएगा। मिष्टी को अन्न चखाने के बाद ना अब बारी थी सभी गाँव वालों को ना भोजन कराना। तो फाइनली सभी लोगों ने खाना खा लिया है, हमने भी खाना खा लिया है, बाकी फैमिली मेंबर जितने भी थे सबने खाना खा लिया है। अभी गांव के सारी महिलाएं मिलकर ना बर्तन वगैरह धो रहे हैं, बिकॉज यहाँ गांव में होता ही ऐसा है ना, कोई टेंट वगैरह सिस्टम नहीं होता है छोटे मोटे काम काज में, तो सभी महिलाएं गांव की औरतें तो साथ में मिलकर बर्तन धोती हैं ताकि एक के सर पर लोड न पड़े। और अभी यहाँ पे नमन अपनी नानी के साथ खेल रहा है। हम लोगों ने भी सारे काम कर लिए हैं और सारे बर्तन धो के ना यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि इनको ना हम लोग भंडार में रखते हैं, मतलब ये हमारे डेली यूज वाले बर्तन नहीं होते हैं, इनको हम कभी कभी जब काम काज होता है ना तभी निकालते हैं। बाकी सभी लोग ना आराम कर रहे हैं, तो मैं भी अभी नमन के साथ बाहर पे बैठी हुई थी, अब मैं भी आराम कर लेती हूँ। और ना बाहर इतनी चटक सी धूप है ना, क्या ही बताएं। सब लोग आराम कर रहे हैं और एक मेरा बेटा है जो आराम ही नहीं कर रहा है। क्यों मम्मा क्यों? शाम भी हो चुकी है और हम लोगों ने ना थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया है। अब मम्मी लोग चले गए हैं खेत में और ना तीनों समधी ने गए हैं खेत में काम करने के लिए, और दो समधी यहाँ पे मिलके कर रहे हैं ये बर्तन रखने का काम, और साथ ही साथ नमन भी कर रहा है। पापा ये आग में जाएगा, आग में। और मेरे हस्बैंड जी को ड्यूटी मिली है कि वो सारी सफाई करेंगे, तो ये किसी और का छत है ना, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे तो ये यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा काम यहाँ पे नमू कर रहा है, ये देखो नमू दादाजी को थाली देने का काम कर रहे हो आप, दादाजी को थाली देने का काम, ये खुश। और सामने देखो नमन ना अपने नाना जी के साथ घूमी घूमी कर रहा है, इससे पहले ये लोग खेत में गए हुए थे, मस्त घूम रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना पानी फेंक रहा हूँ मैं, और नीचे पापा बैठे हुए हैं, पापा के साथ प्रैंक करते हैं, डांट भी पड़ सकती है मेरे को। अरे पापा हटो ना यार, राम जादे ना कटवा रहे कितने मेरी बार, क्या कर रहे हो यार। पापा ने तो डांटा ही नहीं तुम्हें, अच्छे पापा है मेरे। गर्मियों के दिन थे ना इसलिए नहीं डांटा, ठंडू के दिन होते तो डांटते। अब ना मन भी ऊपर आ गया है गुन्नू के साथ। अभी ना मैं रोड में पानी डाला था, मैंने पापा को बिखा दिया, अब मैं भूमि को बिखा सकता हूँ। अब देख तू, अब देख तू, अब देख, अब तू गया बेटा। कैसा लगा? बदतमीज इंसान हो तुम। कौन है बदतमीज? गर्म में भी तू रोने लग गया। मैं ये बोल रहा हूँ ना, गर्मी में भी क्यों बुरा मान रही हो यार, गर्म हो रहा है वैसे भी, भीगो यार ठंडे पानी से। नहीं नहीं क्या बोलते हैं, कोई तुम्हें भिगाएगा कैसा लगेगा? क्यों भिगाया तुमने मुझे ऐसे बोल? मेरे को ना बहुत अच्छा लगेगा यार, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, इसलिए लाओ पीला, ये तो मैं खुद ही भीग रहा हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, हमारी सालियाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह 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 वाह, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चंदा वो दिल कैसे बनाते हैं ऐसे यार, सिखा दिया मेरे को। बड़ा हरामी हो बेटा, ऐसे कराते हैं। देख भूमि कर कर, तू भी कर, तू भी कर, भूमि देख देख तेरी आपके पति का दिल टेढ़ा है। पति टेढ़ा है तो दिल क्या टेढ़ा नहीं होगा। यहाँ पे चंदा रील्स बना रही है और उसके जीजू ने फोन पकड़ा है। कैसे कैसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। हाँ, वन टू थ्री स्टार्ट। देख चंदा जैसी रील में भूमि को बनाता हूँ ना, सेम बना रखी है, पोस्ट कर दे इसको अब भी, देख लाइक ही लाइक आएंगे। रील्स वील्स बना के हम लोग आ गए हैं घूमने, और हमारा टाइम तो हो गया था घूमने आने का, मैंने बोला आज तुम भी चलो हमारे साथ करके, तो सभी बच्चों को मैं लेके आ गई हूँ घूमने के लिए। अब हम लोग घूमते हैं और इस ब्लॉग को इतना ही रखता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं भूमि मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।